व्हाट्सएप ने किया परेशान, नई पॉलिसी से लोग हैरान। 8 फरवरी से नई पॉलिसी लागू, नहीं मानने पर अकाउंट होगा बंद। सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश कर दी है। व्हाट्सएप यूजर्स को इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी मिलने लगा है, जिसे एक्सेप्ट करना होगा। 8 फरवरी 2021 तक ऐसा नहीं करने पर व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि अब व्हाट्सएप आपकी हर सूचना अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप ने जो नई पॉलिसी पेश की है उसमें बताया गया है कि किस तरह व्हाट्सएप फेसबुक के साथ जानकारी शेयर करता है। ये पहले के वर्जन में नहीं था। व्हाट्सएप के मुताबिक कई कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप पर भरोसा करते हैं, और वैसे व्यवसाय के लिए ग्राहकों का वो लेन देन डाटा, सेल गैजेट इन्फो, आईपी डील और डाटा शेयर करने के लिए सहमति देनी होगी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एग्री नहीं करने की सूरत में आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। ऐसे में व्हाट्सएप ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कई बिजनेस पूरी तरह से व्हाट्सएप के जरिए ही चल रहे हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप यूजर्स का सारा डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा, जिससे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ व्यवसायिक गतिविधियां भी उजागर हो जाएगी। एक तरह से व्हाट्सएप अब आपकी हर हरकत पर नजर रखेगा और उसका विश्लेषण करेगा। इतना ही नहीं, आपके डेटा का इस्तेमाल व्यवसायिक रूप से भी किया जाएगा। भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप के 200 करोड़ यूजर्स हैं, और व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी सभी जगह एक साथ लागू होगी। ऐसे में कई दूसरे देश में भी इस पॉलिसी से लोग परेशान हैं, लेकिन भारतीयों के लिए एक परेशानी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि भारत में डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में हजारों लोग अब खुद ही अपने फोन से व्हाट्सएप डिलीट करने की सोच रहे हैं, जबकि हजारों लोग इस नई प्राइवेसी पॉलिसी से दुविधा में पड़ गए हैं, और उनके सामने क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति हो गई है।